सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं अविनाश मिश्रा और आपको वेलकम करता हूँ अपनी इस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही एक नई चीज़ बताने वाला हूँ। आज मैं किसी भी तरह के प्लांट्स की केयर नहीं बताऊंगा दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा हटके वीडियोस बना रहा हूँ। आज मैं दोस्तों वीडियोस बनाने जा रहा हूँ रूटिंग हार्मोन्स के ऊपर। ये रूटिंग हार्मोन्स दोस्तों होता क्या है, मैं आज आपको बताऊंगा उसका यूज़ कैसे है, आप लोग उसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कि मेरी गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस के हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे होंगे कि अभी जो टाइम चल रहा है रेनी सीज़न का, मानसून दोस्तों आ चुका है लगभग सभी जगह पर। और दोस्तों ये बहुत ही आइडियल टेम्परेचर होता है कटिंग्स लगाने का। अगर आप इस सीज़न में किसी भी तरह की कटिंग्स लगाते हैं, जनरली दोस्तों होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो लोग कटिंग्स लगाते हैं खासकर के बिगनर्स, तो उनकी कटिंग्स नहीं चल पाती हैं दोस्तों, क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं रहता है कि कटिंग्स को कैसे लगाना, कहाँ रखना है ताकि उनकी कटिंग्स अच्छे तरीके से ग्रो करती रहे। पर अभी दोस्तों ऐसा टाइम चल रहा है रेनी सीज़न में कि आप किसी भी प्लांट्स की कटिंग लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों 95% प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग से आप उसे आसानी से उसे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसका यूज़ कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में दोस्तों इसके बाद जो वीडियोस बनाऊंगा वो लगभग दोस्तों कटिंग्स के ऊपर ही होंगी। जो नए नए प्लांट्स की मैं आपको अब कटिंग्स लगाना बताऊंगा कि आप कटिंग्स कैसे लगा सकते हैं अगर आपको अपने घर पर लगाना है, और वो प्लांट्स अगर आपको मिल जाता है तो आप उसे परचेज़ ना करने के भी बजाय आप उसे कटिंग्स के कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये सिनेमन पाउडर होता है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन होता है। आप इसको कैसे यूज करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। ये होता है दोस्तों एक रूटिंग हार्मोन जो केमिकली आता है। ये मैंने दोस्तों लिया था रूटेक्स कंपनी से, ये मार्केट से मैंने परचेज किया था, 30 से 40 रुपये का मुझे मिला था। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है दोस्तों, आप आसपास अपने पता कर सकते हैं कितने का आपको मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा, अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं अपने घर पर तो आप मार्केट से ऐसा केमिकली भी परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आता है ये हनी। हनी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता कि आप कोई भी कंपनी का एक लेकर चलें, आप किसी भी कंपनी का हनी ले लेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा एक ग्रोइंग एजेंट होता है। देन इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही अच्छा ग्रोइंग एजेंट की, जिसको आप जानते भी होंगे दोस्तों। ये दोस्तों ये आप देख के तो समझ ही गए होंगे, ये एलोवेरा है दोस्तों। ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी जो कटिंग्स होती हैं उसकी रूट डेवलप करने पर हेल्प करता है। तो आज फिलहाल मैं आपको बताऊँगा कि इसके कैसे कैसे यूजेज हैं। तो दोस्तों आप ये जो देख पा रहे होंगे ना सिनेमन पाउडर, ये कैसे बनता है दोस्तों, आप जानते होंगे कि आपके जो किचन में काफ़ी सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन पे बहुत ही अच्छे तरीके से उसे। दोस्तों अभी फिर मैं आप बात करता हूँ आपसे सिनेमन पाउडर की, कि ये आपको कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपके पास आपके किचन पर अगर ये नहीं मिल पाता तो आप इसे मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। सिनेमन पाउडर को दोस्तों जनरली इसे दालचीनी के नाम से जानते हैं। दालचीनी आप अगर बोलेंगे मार्केट पर तो आपको ये मिल जाएगा, बहुत ही चीप रेट पर मिल जाता है दोस्तों। जब आप इसे मार्केट से परचेज करके आते हैं दोस्तों तो ये खड़े साइज पे रहता है, यानी कि सेंगा रहता है। फिर इसको आपको इसको ग्राइंड करना पड़ता है, अच्छे से पीसना पड़ता है, तब जाके ये अच्छा प्रॉपर बन पाता है। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि इसे सिनेमन पाउडर को लाके अपने ग्राइंडर पे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है और बिल्कुल महीन पाउडर बना लेना है दोस्तों, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा एक ग्रोइंग एजेंट होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें काफ़ी तेज से इसकी नेचुरल एक स्मेल होती है, जो कि अगर आप कटिंग्स लगाते हो उसमें किसी भी तरह के अगर कोई भी पेस्ट का अटैक होता है सॉइल के अंदर, कई बार दोस्तों जो कटिंग्स रहती है इस कारण भी नहीं चल पाती कि अंदर के जो पेस्ट वगैरह रहते हैं वो जो ख़राब कर देते हैं, तो दोस्तों उसको क्या रहता है ये दूर करता है उससे, और रूट्स को ग्रो करने में भी काफ़ी जल्दी हेल्प ये करता है। तो इसके दोस्तों मल्टीपल यूजेस हैं, आप इसे काफ़ी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो आप जैसे आपके घर पर आंट वगैरह आती हैं दोस्तों तो आप उससे भी इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर प्लांट्स में ना चींटियाँ आ ही जाती हैं, वो अपने कहीं ना कहीं से अंडे उसमें बना लेती हैं, रख लेती हैं। और बरसात के टाइम में दोस्तों वो काफ़ी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि जब बरसात का टाइम आता है तो फिर वो पानी भरने के कारण से उसमें निकल के बाहर निकलने लगती हैं और वो प्लांट को बहुत ख़राब करती हैं दोस्तों। तो आप वहाँ भी इसको डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क करता है। तो अगर आप इसे कटिंग्स के लिए लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है केमिकल वाला, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपके लिए वर्क करेगा। देन इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों
ये जो आपको मैंने बताया है केमिकली रूटिंग हार्मोन जो आता है, मैंने परचेज किया था। तो ये भी दोस्तों आपको, अगर आप नहीं लेना चाहते, घर में नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है दोस्तों। मेरे पास मेरा तो हमेशा का ऐसे ही काम रहता है गार्डनिंग का, तो मैं ज़्यादातर इसको सब रखे रहता हूँ अपने पास, ताकि मेरे को कोई भी मिल जाए मैं उससे काम कर लेता हूँ दोस्तों। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, अगर मुझे ये मिलता है तो मैं इससे काम कर लेता हूँ, अगर मुझे और भी कोई रूटिंग एजेंट मिलते हैं तो मैं उनसे भी काम कर लेता हूँ दोस्तों। तो मेरे लिए सारे ही बिल्कुल बराबर ही हैं और सारे बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप मार्केट से परचेज करना चाहते हैं, अगर घर पर नहीं बनाना चाहते हैं तो। केमिकल होने के कारण दोस्तों ये आपके प्लांट्स को, जो आपकी कटिंग्स आप लगा रहे हो, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगा और जल्दी से इसकी जो रूट भी डेवलप करने पे हेल्प करेगा। देन इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपनी ये हनी की। तो हनी भी बहुत ही अच्छा एक दोस्तों एजेंट होता है रूटिंग्स को ग्रो करने के लिए। मुझे दोस्तों ये भी, मैंने इसको यूज़ करके देखा था, बहुत ही जल्दी से बहुत आसानी से दोस्तों इसकी जो रूट्स हैं वो डेवलप हो गई। आप किसी भी तरह का हनी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको वीडियो पर पहले ही बताया है। आपको बस क्या करना है, डिप को ऐसे थोड़ा सा साइड से कट करके इसमें थोड़ा सा डिप करना है और देन इसको लगा देना है। उसके बाद बहुत ही जल्दी से आपकी रूट जो है डेवलप हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एलोवेरा की। तो एलोवेरा के दोस्तों अगर आप जेल बना लेते हो अपने घर पे तो बहुत ही अच्छी बात है, आप जेल का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसमें डायरेक्ट ये जो आप कटिंग्स देख रहे हो ना, कटिंग्स पार्ट में आप डायरेक्ट कटिंग्स को ऐसे डिप करके और आप लगा दोगे तो बहुत ही जल्दी से ये आपके जो रूट्स है उसको डेवलप कर देगा। जनरली होता क्या है दोस्तों कि जो रूटिंग हार्मोन या रूटिंग एजेंट कोई भी होते हैं, वो करते क्या हैं, सिर्फ आपकी जो कटिंग्स होती है ना उसको प्रोटेक्शन एक लेयर प्रोवाइड करा देते हैं, जहाँ से जिस हिस्से से आप उसको कटिंग्स लगाते हो उस हिस्सा क्या वो सॉइल के अंदर दबा होता है। उस टाइम क्या होता है कि उसमें रूट्स वगैरह होती नहीं है, तो इतनी ज़्यादा दोस्तों उसके अंदर जो इतनी ज़्यादा पावर नहीं हो पाती कि वो खुद को इतना प्रोटेक्ट करे। इसलिए अपन लोग दोस्तों इसका यूज़ करते हैं कि ताकि ये जो अपनी कटिंग्स लग रही हो ख़राब नहीं हो किसी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से वो डेवलप हो जाए। तो इस भी ये जो दोस्तों आप है एलोवेरा का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एलोवेरा दोस्तों ऐसी चीज़ है जो जनरली सारे तरह के गार्डनर्स के यहाँ और कॉमनली सबके घर पर मिल जाता है। तो आप वहाँ से भी अगर आप इसे लाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा और आप लगा सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए दोस्तों अभी ये कटिंग्स की बना रहा हूँ, ये जो रूटिंग हार्मोन्स के वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग को दोस्तों मैं बताता रहता हूँ कि आपको कटिंग्स लगाना है इस समय आप लगा सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा दोस्त टेम्परेचर होता है कटिंग्स लगाने के लिए। तो आप अभी लगा सकते हैं दोस्तों, या तो आप रेनी सीजन में लगाओ या तो फिर आप फरवरी के स्टार्टिंग या मिड फरवरी पर लगाओगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो ग्रो करती है। पर जो दोस्तों रेनी सीजन पर है उसका जो कटिंग्स का ग्रोइंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं कटिंग्स के आपके ग्रो होने के लिए। इसलिए मैं दोस्तों आपके लिए ये वीडियोस बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि मैं कौन कौन से रूटिंग हार्मोन यूज़ करता हूँ। और आगे आगे वाले वीडियोस पे मैं अगर आपको बताऊँगा कि आपको रूटिंग कटिंग्स के थ्रू कैसे आप उसे ग्रो कर सकते हैं, कौन सा रूटिंग हार्मोन पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग मैंने आपको बता दिया। तो आप चाहे जो भी लगाओ आपकी कटिंग्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रोंगी। आगे वाली दोस्तों आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको सब कटिंग्स के बारे में ही बताने वाला हूँ, तो आप मेरे वीडियोज़ पर ऐसे ही वॉच करते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों आज की वीडियोज़ में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे जो वीडियोस हैं आप उसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। और दोस्तों मेरे चैनल वॉग गार्डनिंग्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।